नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 7 मार्च और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन। 10 मार्च को होने जा रहे हैं 2 बड़े आंदोलन। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों ने अपने दिल्ली चलो मार्च के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से ऐलान किया है कि वे 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, साथ ही कहा कि सीमाओं पर किसानों की संख्या और बढ़ाई जाए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और जगत सिंह सिंह डालेवाल ने कहा है कि देश भर के किसानों से विरोध प्रदर्शन के लिए 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देश भर के अंदर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने भी इस बात पर जोर दिया है। इसी के साथ ही 10 मार्च को एक और राजस्थान में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के संचालकों ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वो 10 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर पाबंदी लगा देंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ तैयार। 30 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा। एमएसपी कानून लाने की बात। जाति जनगणना सत्सर कमेटी का ऐलान। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि इस घोषणा पत्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी गई है। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खासा फोकस नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का दावा किया है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सत्सर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की भी बात कही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, 11 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित है और राज्य की 11 लाख से अधिक महिलाओं को आगामी 3 वर्षों के अंदर लखपति दीदी बना के रहेंगे। भजनलाल शर्मा ने बुधवार को देशव्यापी शक्ति वंदन अभियान के समापन के अवसर पर यह ऐलान किया है। एक बयान के मुताबिक भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि अगले 3 वर्षों के अंदर 11,24,000 महिलाओं को सनबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है, जिनमें से 2.25 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी 12 मार्च को राजस्थान को देंगे कई बड़ी सौगातें। चंडीगढ़ तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान को 12 मार्च को रेलवे की कई सौगातें देने जा रहे हैं। इसमें रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास कार्य को लेकर दोहरीकरण, RUB RO शामिल है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री देश में एक साथ कई रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें सिद्धौड़गढ़, मांडलगढ़, अनूपगढ़ और मंडावर स्टेशन के पुनः विकास कार्य का भी वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ के लिए रवाना करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन अब होगी सुविधाएं, बुकिंग का होगा ऑनलाइन डाटा। राजस्थान के रेलवे अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आ रही है। अब उन्हें रेलवे ऑफिसर्स रेस्ट हाउस और होलीडे होम में बुकिंग के लिए सिफारिश की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रूम मिलेगा या नहीं इसकी जानकारी खुद ऑनलाइन मिलेगी। इसकी शुरुआत जयपुर, दिल्ली और ऊटी से होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिया है। पूरी प्रक्रिया बुकिंग ऑनलाइन हो जाएगी। दरअसल देश भर में रेलवे के प्रमुख स्थानों पर रेलवे ऑफिसर रेस्ट हाउस और होलीडे होम बने हुए हैं, लेकिन अब सब प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। इस सप्ताह के अंत में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 8 मार्च को फ्री में बस में सफर कर सकेंगी महिलाएं। महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, म्यूजियम और स्मारकों में मिलेगी फ्री एंट्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राजस्थान रोडवेज ने 8 मार्च को राज्य में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करवाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेशों के मुताबिक रात 12 बजे से महिला यात्रियों के लिए बसों में सफर करने के लिए 0 राशि का टिकट मिलने लगेगा। इस यात्रा का लाभ 8 मार्च तक 12 बजे तक जारी टिकट पर मिलेगा।
राजस्थान रोडवेज के एमडी ने बताया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक महिलाओं को 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज में राजस्थान की सीमा के अंदर फ्री यात्रा करवाई जाएगी। हालांकि ये फ्री यात्रा का राजस्थान में फायदा केवल एक्सप्रेस और सामान्य बसों में ही मिल सकेगा। एसी बस या वॉल्वो बस में महिलाओं को फ्री यात्रा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए 7 मार्च से लेकर 8 मार्च शाम तक जीरो बैलेंस का टिकट जनरेट होना शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सर्द हवा के बीच राजस्थान में 60 डिग्री तक गिरा तापमान, सुबह शाम ठंड बढ़ी। राजस्थान में मौसम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के साथ ही सर्द हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। सीकर और बहरोड़ सहित कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही भी रही है। 8 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पिछले 24 घंटे से चल रही सर्द हवा के बाद दिन के तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, जिस सिस्टम के असर से जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर के एरिया बेल्ट में हल्के बादल छा सकते हैं। इस सिस्टम से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 7 से लेकर 9 मार्च तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 10 से 11 मार्च को एक नया वेरिएंट एक्टिव हो रहा है, इसकी तीव्रता के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। इस सिस्टम से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में बादल छा सकते हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सुखदेव सिंह गोका मेडी के हत्याकांड के बाद समर्थकों का विधानसभा घेराव। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा, हत्याकांड करने वालों का एनकाउंटर किया जाए। सुखदेव सिंह गोका मेडी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर जहां उनकी पत्नी न्याय यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय करणी सेना की ओर से जयपुर में प्रताप स्टेडियम के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद 15 सूत्री मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार के प्रतिनिधि को सभा स्थल पर बुलाने की मांग की। किसी प्रतिनिधि के नहीं आने पर विधानसभा का घेराव किया गया। दिन भर सभा स्थल के पास पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई है। इधर सरकार तक पहुंचा दी जाएगी मांगे, लेकिन दूसरी ओर सुखदेव सिंह गोगामिनी की पत्नी शीला ने कहा कि मैंने कोई समझौता नहीं किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामिनी की हत्याकांड के बाद शीला ने समझौता कर लिया है। लेकिन शीला ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने इस प्रकार का कोई अब तक समझौता नहीं किया है, न ही मेरी कोई मांगे मानी गई है। वहीं उधर सरकार के पास इनकी मांगों को पहुंचा दिया जाएगा। शिव सिंह शेखावत ने कहा कि प्रशासन की ओर से अभी तक अधिकारियों ने वार्ता की है, वो सफल नहीं हुई है। उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचा देंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक से पास हुए 14 ट्रेनिंग एसआईओं को लोगों ने पीटा, कोर्ट में पेश करने लेकर आई थी पुलिस, 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई को आज जहां देर रात एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कोर्ट में पेश किया गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों को पीट दिया। कोर्ट ने सभी 14 ट्रेनी एसआई को 6 दिन की रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया है। एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से हुई पूछताछ के बाद कई सौंकाने वाली जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर एसओजी ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया था। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नगर निगम की बैठक में विधायक को पीटने की कोशिश, बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आपस में भिड़े, बालक मुकुंद बोले निगम में नरक जैसा हाल। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3 साल के लंबे अरसे के बाद दूसरी साधारण सभा की बैठक हुई। इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी पार्षद वेल में आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दरअसल कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने विधायक शर्मा को पीटने की कोशिश की थी। बीजेपी पार्षद बीच में आ गए, दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल बैठक में सबसे पहले बंद माइक को लेकर हंगामा हुआ था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अजय लाल शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। खराब स्वास्थ्य के चलते शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। सीएम अजय लाल शर्मा अचानक से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है। खराब स्वास्थ्य के चलते ही सीएम अजय लाल शर्मा दुर्गापुरा में पीएम मोदी के शक्ति वंदन कार्यक्रम को सुनने के लिए आयोजित प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। इधर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। पूर्व सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री श्री अजलाल शर्मा के कोविड पॉजिटिव होने की सूचना मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बाड़मेर में बनेगा भव्य सिविल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी को 65 एकड़ जमीन मुफ्त देगी सरकार।
बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। उतरलाई में अभी एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के बराबर ही सिविल एक्सपर्ट अब बनाया जाएगा। बजरला सरकार ने बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट एनवेट के लिए 65 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए इस फैसले को मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उतरलाई में अब एयरपोर्ट बनाने का काम आगे बढ़ सकेगा। पश्चिमी राजस्थान का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीपी जोशी बोले गहलोत ने अंत में सिलेंडर जाकर सस्ता किया, जनता ने भी उनको सस्ता बनाकर बैठा दिया। प्रदेश की लाखों महिलाओं ने वर्चुअली सुना पीएम मोदी का संबोधन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जमकर गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंतिम महीने में सिलेंडर सस्ता किया था तो जनता ने भी उनको सस्ता बनाकर बैठा दिया। सीपी जोशी ने शक्ति बंधन महिला स्वयं सहायता समूह एनजीओ संपर्क अभियान समापन कार्यक्रम को यह संबोधित करते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने कहा मेरी बहनों के साथ किए गए संकल्प को मैं पूरा करूंगा, तो उन्होंने 30 दिन के भीतर 450 रुपए में सिलेंडर देने का फैसला किया, ये होता है संकल्प। वहीं गहलोत ने दूसरी तरफ 5 सालों का राज करने के बाद अंत के महीने में गैस सिलेंडर सस्ता किया था, तो ऐसे में जनता ने भी उनको सस्ता बनाकर घर बैठा दिया। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भाजपा के 2 प्रत्याशियों का कांग्रेस ने किया विरोध, चुनाव आयोग को लिखा, चूरू उदयपुर कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते। भाजपा की चूरू और उदयपुर लोकसभा सीटों के लिए घोषित प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस ने नियमों के खिलाफ बताकर चुनाव आयोग को शिकायत दी है। इन दोनों सीटों पर भाजपा ने राजस्थान में कार्यरत 2 अधिकारियों को टिकट देने की घोषणा की है। चूरू से देवेंद्र जाजड़िया वन विभाग में कार्यरत है और उदयपुर में मनालाल रावत परिवहन विभाग में अधिकारी है। दोनों की पोस्टिंग जयपुर में ही है। 2 मार्च को जब भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा की तब तक जाजड़िया और रावत राजस्थान सरकार में ही कार्यरत थे। क्या नियमों की अनदेखी कर बीजेपी ने राजस्थान सरकार के दोनों अधिकारियों को अपना प्रत्याशी बनाया है? इन दोनों कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब खैर नहीं डमी कैंडिडेट्स रोकने के लिए बड़ी तैयारी, सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू करेगी फेस आईडी, आंखों की पुतलियां तक मैस होंगी। प्रदेश की भजनलाल सरकार परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट्स रोकने का बड़ा इलाज कर रही है। DOIT विभाग एवं सी फेस ने मिलकर ऑथेंटिकेशन का नाम ऐप तैयार किया है। यह ऐप आसानी से परीक्षा केंद्र पर डमी या फर्जी अभ्यर्थी पकड़ लेगा। RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। RPSC में इसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, चयन बोर्ड में भी यह जल्द ही लागू होगा। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्री में अब पैंस नहीं, राजस्थान में अब कहीं से भी करवा सकेंगे ऑनलाइन भूमि पंजीकरण। प्रदेश में अब व्यक्ति कहीं भी अपनी जमीन का पंजीकरण करवा सकता है, इसके लिए उन्हें प्रलेख लेखकों को फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। इसके पहले चरण के अंदर 5 तरह के महत्वपूर्ण दस्तावेज पंजीकृत किए जाएंगे। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 10 मार्च से फिर हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक, जयपुर सहित 13 जिलों में दिखेगा असर। देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है, ऐसे में राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 10 मार्च से पहले अगर प्रदेश में सरकार ने वैट की कीमतों में कटौती नहीं की तो 10 मार्च से अनिश्चितकालीन के लिए एक बार फिर से पेट्रोल संचालक हड़ताल पर जाएंगे। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। निःशुल्क बिजली देने के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय के सहायक अभियंता ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि PM सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, निःशुल्क बिजली के साथ सब्सिडी भी दी जाएगी। वही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से हुई 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत, कई बातों का रखना होगा ध्यान। राजस्थान में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी होने के बाद आज से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ये परीक्षाएं सुबह 8:30 से शुरू हो गई हैं, जो कि 12 बजे तक चल रही है। परीक्षा को लेकर बोर्ड ने संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं और इसे अंतिम रूप दिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।